रहीम सजनों ते मित्रों अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी आज असी हाजिर होए हैं जनाब दोबारा फिर अपने देहाती इलाके वाल जिहड़ा के 114 12 एल दा इलाका वा जी। तो अज तुहानू 114 12 एल दा जिहड़ा जी बंगला जिहड़ा जी ये अंग्रेज़ दौर दा बंगला जी पाकिस्तान बनने तो पहले दे बंगले बने हुए हैं। तो माशाल्लाह जी हुण दा इहदा हाल इहो जिहा जी कि भूत बंगले वांगू बनिया वा। मेरा कैमरामैन तुहानू दरख्त दिखाएगा जी कि ये पुराने दौर दे दरख्त आ जी बहुत सोहने हैं ते बड़े इन्हां दी हाइट भी बहुत ऊंचाई वाली है जी। कैमरामैन कोशिश करेगा फुल तुहानू दिखाएगा जी आसमाना नाल गल्लां करदे आ जी ये दरख्त। तो माशाल्लाह इहदी लोकेशन भी बहुत सोहनी है। तो इहदे नाल नाल जिहड़ा जी मेरे सामने तो कैमरामैन दे पिछे जनाब छोटी जिहड़ी है जी नहर वह भी नाल नाल जांदी है जी। तो ये बारे च डाकूमेंटरी भी तुहानू दस दें जनाब। ये जिहड़ा बंगलों का मकसद ये कि अंग्रेज़ों ने ये बंगले जनाब बनाए सी जदों वो सैर सपाटा करने लिए आते ते उदों रास्ते दे विच स्टे करते होंगे सी जिहदे विच उन्होंने रेस्ट हाउस भी बनाए सी उस वेलिया के बहुत ही मजबूत तरीन। हाँ जी ते और बकायदा इतने उन्होंने अमला भी होंदा सीगा जी। तो ये तुहानू जिहड़ा ना अज सारा इहदा विजिट कराने जी तुहानू सारा इहदा विजिट करा रहे हैं जी बंगले का। तो ये तुसी देख सकते हैं बहुत ही घने जंगल तरह बनया हुआ जी। तो बहुत हाइट वाले दरख्त आ जी जिन्हें भी हैं तो विच इमारतां जिहड़ियां जी वो पुरानियां भी हो गई हुई वा। हाँ जी ए मेरा कैमरामैन तुहानू दिखा रहा जी। तो माशाल्लाह ये दरख्त ये जी दरख्त इन्हां दी एक होर खूबी है कि असी इहो जिहे दरख्त जदों भी देखे आ जनाब ये बंगले जिहड़े भी है जी ये उत्थे ही लगे आ होर किते नहीं लगे होंदे। तो जनाब काफ़ी ये साडे इलाके च बंगले जिहड़े हैगे आ जी ते इन्हां दी इमारत भी इको जी है। तो बाकी दरख्त जिहड़े है ये भी तकरीबन मिलते जुलते है जी। तो यह भी कोई इमारत का हिस्सा ही है। तो ये बिल्कुल खराब होया जी टट चुकया वा ए देख सकते हो तुसी जी कैमरामैन तुहानू दिखांदा जाएगा जी। ये पुराने दौर दियां ईटां वा जी ए देख सकते हैं ईटां जी बहुत वड्डियां ईटां वा ते बड़ियां मजबूत आ जी हजे भी ये ईटां नू यानी कि मेरा ख्याल है जी दो तीन मंजिला तो भी सिट देंगे तो ये टुटेगी नहीं क्योंकि ये ईटा बहुत मजबूत आ ते वड्डियां वा ते तगड़ियां ईटा आ जी। ए देख सकते हो तुसी माशाल्लाह जी हर पासे वल बहुत ही उच्चे उच्चे दरख्त आ जी लगे हुए। देखो जी नज़ारा करो जी क्या नज़ारा जी बेहतरीन। ते ओ सामने नज़र आ रहा है जी वो भी दरख्त जिहड़े आ बहुत खूबसूरत आ जी। ते इन्हां दी हाइट बहुत है जी ते ये पुराने दौर दे आ जी। ते किला भी ये जिहड़ा बंगला जिहड़ा जी ये भी बहुत पुराने दौर का बनया हुआ वा। ते ये तुहानू सारा बंगला जिहड़ा जी ये दिखावांगे जी। ये देख सकते हो जनाब कि तुसी ये पुराने दौर दे ते पुराने वक्तों के बने हुए है जी। तो ये भी तकरीबन जी इहदी बड़ी खस्ता हालत होई है जी। आ कैमरामैन तुहानू सारा दिखा सकदा है जी। तो इहदी छत देखो जी बरामदे दी ये डाटां वाली छत है जी जिवें डाट बने होंदे आ ना जी। तो पुराने दौर के जिहड़े है जी गाडर भी तो सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया वा। तो ये जी ईटां दे विच जिहड़ा चूने का इस्तेमाल किया गया जी। तो लिहाजा आ अगे भी कमरा जिहड़ा जी ये बिल्कुल ही भूत बंगला वा। तो ये सानू तो जान तो वैसे डर लगता पाया जी ए देख सकते हो तुसी जी। चलो लो जी आ तुसी देख सकते हो जनाब कि ये पुराने दौर का बंगला वा। तो इहदी छत भी देख सकते हो किवें आ डाट डाट का इस्तेमाल किया जी। तो बड़ी प्यारी छत बनी है तो मजबूत है
खस्ता हालत जरूर हो गई है क्योंकि पाकिस्तान बनने तो ये अंग्रेज दौर दे बने हुए है जी। तो यह अंदर कमरा भी देख सकते हो कि बड़ा हाइट वाला कमरा है जी। तो यह देखो जी अगे शीशा साफ अली पीछे जी आ देख सकते हैं जनाब बिल्कुल ये तो भूत मंगले की शक्ल इख्तियार की हुई है जी। तो उस दौर दे वेचे जनाब बड़ी हाइट वाली छत्तां बनाते होंगे सी ते रोशनदान हवाल ही रखे होंगे सी जनाब। तो कैमरामैन दिखा रहा तुहानूं ते रोशनदान भी देख सकते हैं तुसीं जी बड़ी हाइट ते है जी। तो इस करके रखे होंगे सी कि जी कमरे जिहड़े है जी वो ठंडे रहिंदे होंगे सी। पुराने वक्तों के दरवाजे बने हैं जी सारे और बड़ी मजबूत लकड़ लाई हुई सी ये तो दिखा रहे हैं जनाब। चलो आ जा ते आ पौड़ियाँ देख सकते हैं तुसी जी ये भी पुराने दौर दियाँ वा ते बड़ी खस्ता हालत हुई है इहदी ते लेकिन फिर भी काफ़ी मजबूत है जी हजे ते ये तुहानू दिखा सकते हैं जनाब। यह पहली मंजिल है यदि असी पहली मंजिल से आ गए हैं तो दरख्त भी तो सूरज दिया भी सारा नज़ारा तो करा सकते हैं जनाब। तो उत्तों का व्यू देख सकते हो तुसी ओ इहदे तो पिछे जिहड़ी इमारत है जी ये जिहड़े छोटे अफसर होंदे सी ओ उन्हां दे लई सी जी जिहड़ी इंतजामिया भी होंदी सी। तो बाकी आ जिथे असी खड़े हैं जनाब ये इमारत जिहड़ी है वड्डे अफसरां लई सी जी। ऐ देख सकते हो तुसी जनाब ये दूसरी मंजिल ते आ गए हैं जी। तो यह लंबी बनाई हुई है जी उन्होंने इतों या तो कोई धुआं वगैरह निकलता तो या फिर जिहड़ा जी इत्थे कोई हवा ही रख्या जी साहब कैमरामैन दिखा रहा तुहानू जनाब। यह देख सकते हो तुसी गहराई चा जनाब एक है जी ये देख सकते हो तुसी अग्गों बंद कीतियां हुई जी बहुत डूंगा वा हिसाब इहदा ते माशाल्लाह देख सकते हैं तुसी। ते उपर असी इस टाइम दूसरी मंजिल ते हैं जनाब। ते साइडां दी लोकेशन मेरा कैमरामैन कोशिश कर रहा वा भी तुहानू सोहनी करके दिखावे जी। अभी साइड पे ना जो सेंटर में रहो ते हर पासा जिहड़ा जी दिखा रहा जी यह देख सकते हो तुसी माशाल्लाह। दरख्तां दी लोकेशन जिहड़ी है बहुत ही सोहनी है जी ये तुहानू हुण उपर दा सारा सीन असी दिखाया जनाब। ते इंशाल्लाह जिहड़ा वो पिछे इमारत है जी वो भी बहुत पुरानी है तो वह भी दिखावांगे जी तुहानू। ते जनाब ये नाल नाल तुहानू ये भी दस दे जाइए भी ये बंगले बनाउण दा मकसद ये सी कि जनाब इत्थे अंग्रेज़ लोग जदों सैर सपाटे ते निकलदे सी जी शिकार लई या घोड़ियां ते जीपां भी होंदियां सी ते उस दौरान दे विच ज़्यादातर वो शिकार जिहड़ा जी घोड़ियां ते करदे सी ते वो रास्ते च एक उहनां दा अपना हिसाब सी जनाब कि इन्ने किलोमीटर तो बाद उन्होंने बंगला बनाया हुंदा सी जी जिथे कि यानी कि वो स्टे करते होंगे सी। तो ये उस दौर का बड़ा यानी कि हैवी तरीन बंगला बनया हुंदा सी पक्का तो बहुत सोहना। तो यह तुसी देख सकते हो इमारत जनाब बिल्कुल जिहड़ी खस्ता हालत आ जी डिगी झटी पई है जनाब सारी। हाँ जी तो जाहिर आ जी पाकिस्तान बनने तो पता नहीं पहले हुकूमत बरतानिया के दौर के ये बने हुए है जी। तो ये जनाब यानी कि हुण तां इहदी हालत इहो जी होनी है जनाब। तो तुहानू सारा इहदा नज़ारा करा रहे हैं जी ईटां जिहड़ियां बहुत मजबूत तरीन हैं। हाँ जी तो जनाब हर पासे इहदे चारों तरफ जिहड़े दरख्त आ जिहड़े आ जी वह बहुत हाइट वाले उन्होंने लाए हुए है जी। ये अल्लाह जाने जी उन्हों का की मकसद से बहरहाल जी दरख्त बहुत हाइट वाले आ कोई भी जिहड़े आ जी। तो हुण दे दौर दे विच जिहड़े इत्थे जी मकई की फसल लगी हुई है वो सामने मेरा कैमरामैन दिखाएगा जी दूर है कैमरे की रेंज तो केले भी लगे हुए है काफ़ी मकदार दे विच कैमरामैन ने माशाल्लाह जी काफ़ी हिम्मत ना जिहड़ा जी क्लोज करके दिखाते जी केले
ते हुण इहदी अगली साइड भी दिखाउने आ जी। लो जी जनाब, ए उस दा फ्रंट आ जनाब, देख सकदे हो तुसी, ते इहदा की हाल आ जी। ये तो मैं तुहानू ये दसदा जावां जनाब, इत्थे हॉरर कोई फिल्म या कोई ड्रामा बनाया जावे ते इत्थे ते सीन लै होण तां बहुत ही डरावने आ जी। ए देख सकदे हो तुसी जनाब, ते ये पहले दौर दे ही आ, दरवाजे लगे हुए है, ते जिन्ना कुछ है जनाब ये पुराना ही है सारा। ते इत्थे भी जिहड़ा जी यानी कि बहुत खतरे वाला ही काम आ जी, क्योंकि इहो जिहियां पुरानियां इमारतां ये तुसी भी समझते हैं भी ये भारा काम हुंदा आ जी। ते असी बहरहाल जिहड़ा कोशिश करके तुहानू दिखा रहे हैं जी, ते सानू महसूस हो रहा वा इत्थे भी, क्योंकि इस चीज़ का मैनू खुद नूं भी जजमेंट हो जाती है कि इहदे च कोई शक नहीं कि ये एरिया भारा आ जी। क्योंकि इस टाइम जिहड़ा जी साडी कफीयत ये है कि मेरे मोढ़े जिहड़े आ जी वह इस टाइम भारे जे होने शुरू होए है, तो इस करके ये निशानी होंदी है। तो और इत्थे कुछ ना कुछ है जरूर, लेकिन असी उन्हां चीज़ां नूं भी कह सकते हैं कि असी तुहाडे नाल छेड़खानी नहीं करन आए, असी एक अपना अपने शोभे के मुताबिक वीडियो बनाउन आए हैं, तो लिहाजा असी तुहानू कोई छेड़खानी नहीं करन आए, ठीक है जी। तो असी कोशिश की है भी सारा तुहानू दिखाइए, तो माशाल्लाह दिखाया भी है जनाब। तो ये अंग्रेज दौर के सारे वाकया जी, ये देख सकते हैं तुसी, ते इहदे नाल नाल जिहड़ा जी नाल नाल लोगों ने जिहड़ा जी बस्तियां भी बनाईयां वा, तो और केले भी उधर भी लगे हुए है जनाब, लोग इत्थे हुण आबाद आ, ते बड़ा जिहड़ा जी यानी कि एक हुण क्योंकि ये जनाब गवर्नमेंट दे सपुरद है आ, लेकिन इहदी केयर नहीं कीती गई, ते लिहाजा ये बहुत ही खस्ता हालत होई है इहदी। हाँ जी, ते लेकिन इहनू दोबारा ढा के नवी बनाने की इजाजत नहीं गी, क्योंकि ये एक साढ़े पंजाब की कि साढ़े पाकिस्तान की जिहड़ी है जी ये पुरानी सकाफतां वा जिहड़ियां कि अंग्रेज़ दौर दियां वा, हुकूमत बरतानिया के दौर दी। ते जनाब उम्मीद करते हैं तुहानू साडा ये अज का ब्लॉग जिहड़ा वा बहुत पसंद आया होगा, तो सानू बहुत मेहनत करनी पई है जनाब, इत्थे मिट्टी घट्टा भी बहुत फकिया वा, तो जनाब इत्थे आ के असी बनाया क्योंकि साडी कोशिश सी कि असी अपने भैणां भरावां नूं खा जिहड़े कोई यूके च आ या कि अरब मुल्क दे विच आ, इंशाल्लाह असी उहनां नूं पंजाब दीआं सकाफतां जिहड़ियां वा अच्छियां तों अच्छियां दिखांदे रहांगे, इंशाल्लाह उहनां नूं असी उदास नहीं होण देआं, तो उहनां दे आबाई शहर आ या गाँव आ कोई भी आ उहनां दीआं सकाफतां उहनां नूं दिखाते रहांगे, ठीक है जी। तो इस तरह ही असी नवें ब्लॉग नाल फिर हाज़र होवांगे जी। हुण असी अपने यूट्यूब चैनल मुखड़ा पंजाब दे तो इजाजत चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़ जी।